14 तारीख गुजर गई और इलेक्शंस ना हो सके। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वो फैसला जो सुप्रीम कोर्ट को था जिसके अंदर ये कहा था कि 14 तारीख को आप इलेक्शंस कराएं पंजाब में, उसके खिलाफ एक रिव्यू फाइल कर दिया और रिव्यू की आज समाप्त हुई थी। रिव्यू की समाप्त से पहले अदालत ने पॉइंट्स नोट करने से पहले दूसरी साइड की अदालत ने कहा कि हम चाहते हैं कि हम सबको सुने, इसलिए हम नोटिस देते हैं और इसकी तारीख फिक्स कर देते हैं केस की कि वो ट्यूसडे को यानी अगले हफ्ते वो केस की समाप्त होगी जब सारे फरीकैन आके अपनी इस रिव्यू पिटिशन पे बहस कर सकेंगे। अदालत से दरख्वास्त की थी कि चूंकि आईन का इस वक्त एक तरह से कत्ल हो चुका है, 14 तारीख को इलेक्शन नहीं हुआ तो इसकी तारीख जल्दी फिक्स करें, कल ही इसकी समाप्त कर लें, लेकिन चूंकि अदालत मुख्तलिफ केसों में मसरूफ़ है इसलिए इसकी तारीख ट्यूसडे की ही फिक्स हुई है अगले हफ्ते की, तो हमें कुछ देर इंतज़ार करना पड़ेगा इस रिव्यू के फैसले का। जहां तक ओरिजिनल फैसला है 14 मई वाला, वो चूंकि फैसला इम्प्लीमेंट नहीं हो सका तो मेरी नज़र में इस वक्त जो केयर टेकर गवर्नमेंट है पंजाब में भी और KPK में भी, वो दोनों गैर आइनी और गैर कानूनी हैं और जो इकदाम वो कर रहे हैं वो आइन के और कानून के ख़िलाफ़ हैं। इसी तरह मेरी नज़र में जिन जिन शख्सियात ने जिन जिन लोगों ने अदालत का फ़ैसला 14 मई का नहीं माना, वो उन्होंने तौहीन अदालत भी की है और कंटेम्प्ट भी हो सकता है। बहरहाल अदालत ने ये ज़रूर ऑब्ज़र्व किया, उन्होंने ये कहा कि हम इस केस की समाअत को सुन रहे हैं लेकिन इसके साथ साथ आप लोग जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनका फ़र्ज़ है कि वो अपना किरदार भी अदा करें और डायलॉग जो टूटा था उसको भी आगे चलाएं, उसके ऊपर कोई हल तलाश करके हमारे पास आएं। उस पर मैंने अदालत में कहा कि जहां तक हमारे लीडरशिप का ताल्लुक है, हमने तो डायलॉग एक सिंसेरिटी के साथ शुरू किया था लेकिन जिस वक्त वो डायलॉग नाकाम हुआ उसके साथ ही हमारी सारी लीडरशिप को अरेस्ट भी करना शुरू कर दिया है, बल्कि जो हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान साहब, उनको तो सब ने देखा किस तरह बेदर्दी से अरेस्ट करने की कोशिश की गई, जिसको अदालत ने फिर अपने हुक्म के ज़रिए दोबारा से उस ऑर्डर को अरेस्ट को ख़त्म किया। उसी तरह जो मेरे साथ मुज़ाकरात कर रहे थे शाह महमूद कुरैशी साहब और फवाद चौधरी साहब, उनको भी अरेस्ट किया हुआ है, दीगर और लीडरशिप को भी अरेस्ट किया हुआ है, असद उमर साहब जो जनरल सेक्रेटरी हैं उनको भी अरेस्ट किया हुआ, तो इस माहौल में डायलॉग मुमकिन नहीं है। उस पर फिर अदालत ने अटर्नी जनरल साहब को बुला के कहा कि आपकी तरफ से अब हाँ होनी चाहिए, आप पहले ऐसे इकदाम उठाएँ जो एक डायलॉग की सहूलत उसका कर सके, उसको आगे चला सके, अगर आप ये नहीं करेंगे तो वाकई ही दुरुस्त कर रही है दुरुस्त फरमा रहे हैं कि डायलॉग उस तरह तो नहीं हो सकता। बहरहाल उन्होंने ये भी क्लियर कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि हमारा सियासत से ताल्लुक़ नहीं है, हम डायलॉग की सजेशन तो दे सकते हैं लेकिन हमने फ़ैसला आइन के तहत ही करना है। मैंने अदालत के सामने चीफ जस्टिस साहब ने जो स्पीच में कहा था वो भी दोहराया, जिसमें स्पीच में उन्होंने कहा था कि आइन को इम्प्लीमेंट करना, आइन की हिफाजत करना हमारी ज़िम्मेदारी है, चॉइस नहीं है, हमारी मर्ज़ी नहीं है, वो हमारी ज़िम्मेदारी है, वी कैन नॉट ब्लिंक एन आई। तो अदालत ने कहा बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं लेकिन उसके साथ साथ आइन को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें सबको सुनना भी पड़ेगा। ये थी आज की कार्रवाई। अब बहरहाल जो मेन बहस है, जो एक्चुअल बहस है इस रिव्यू पिटिशन पे, वो ट्यूसडे को हो। अली जफर साहब, ये बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि मुल्क जब जंग की हालत में होता है तो कवानीन पे अमल दरामद जो है वो नहीं हो सकता और हमें दरख्वास्त गुजारों फ्रिकेन के रवैये को भी देखना पड़ता है, तो आप समझते हैं कि अदालत जो है मौजूदा हालात के अंदर, ख़ास तौर पे उन्होंने ज़िक्र किया कि इमरान खान की गिरफ्तारी पे जो तशद्दुद हुआ, बाद में पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ हुई, जलाओ गिराओ हुआ, वो भी मुनासिब नहीं था, तो आपके ख्याल में इन हालात में इलेक्शन हो सकते हैं जबकि चीफ जस्टिस के मुताबिक इलेक्शन के नतीजे भी कोई तस्लीम नहीं करेगा इन हालात में? जी देखिए, जहाँ तक तो आपका पॉइंट है, बिल्कुल चीफ जस्टिस साहब ने ये फरमाया था कि जहाँ जंग हो रही हो वहाँ इलेक्शन नहीं हो सकते,
वो एक उन्होंने कानूनी नुक्ता बताया था उसमें, ये तो खुदा न खास्त ऐसी बात तो नहीं है कि जंग हो रही है पाकिस्तान में, लेकिन ये बात दुरुस्त है, मैं भी उसे एग्री करता हूँ कि अगर खुदा न खास्ता किसी मुल्क में जंग हो जाए तो फिर इलेक्शन कराना मुश्किल हो जाता है। इसी तरह अगर खुदा न खास्ता कोई तूफ़ानी आफत आ जाए, कोई अर्थक्वेक हो जाए जहाँ जिस इलाके में इलेक्शन नहीं हो सकते, तो हमारा आईन एक गुंजाइश पैदा करता है कि उस सिचुएशन में आप डिले कर सकते हैं, लेकिन ऐसी उसके अलावा कोई ऐसी गुंजाइश नहीं हमारे आईन में कि आप इलेक्शंस को डिले कर सकें। और इस पे सुप्रीम कोर्ट ने दो फैसले ऑलरेडी कर दिए हुए हैं, तो अगर वो ऑब्जर्वेशन है वो एक कानूनी ऑब्जर्वेशन है, वो कोई फैक्चुअल ऑब्जर्वेशन नहीं। जहाँ तक ताल्लुक है जो कुछ हुआ और जिस तरह के मारदार हुई, पकड़ धकड़ हुई, जिस तरह के पब्लिक प्रॉपर्टी को भी नुकसान पहुंचा, वो सारा ऑलरेडी सारी पॉलिटिकल पार्टीज कंडेम कर चुकी हैं और उसकी तहकीकात भी होनी चाहिए कि क्या कि कौन इसमें मुलव्वस था, किसने किया, कौन इसका ज़िम्मेदार है ये सारी तोड़ फोड़ का। लेकिन ये ऐसे इंसिडेंट्स जो हैं ये अगर हो गए हैं उनको तो उनकी तो इन्वेस्टिगेशन अपनी जगह, लेकिन आइन को कत्ल नहीं कर सकते। आइन में अगर 90 दिन का इलेक्शन लिखा है तो आइन में तो इलेक्शन होना ही है। ये चीज़ें, ये जो पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर है, ज़रूरी है मेरी नज़र में भी, हेट पे या नफ़रत पे कोई चीज़, कोई इमारत नहीं तामीर हो सकती। नथिंग कैन बी बिल्ट ऑन हेट, एंड एक डायलॉग बहुत ज़रूरी होता है, हर वक्त ओपन रहना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ आइन को भी आपने ज़िंदा रखना है। आइन को आप नज़रिया ज़रूरियत, डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी के तहत आप ख़त्म नहीं कर सकते। ये दो बार अदालत खुद फैसला दे चुकी है, तो देखेंगे ट्यूसडे को क्या इस पे बहस होगी। आपसे सवाल, 90 दिन की जो आईनी होती कमांड वो भी गुजर गई, सुप्रीम कोर्ट का फैसला 14 मई का वो भी गुजर गया, तो अब आप नहीं समझते कि ये जो कौमी असम्बली है अपना टर्म आईनी मैंडेट तो पूरा करने, अगर के पंजाब ने नहीं किया, केपी ने नहीं किया, ये पूरा करने के लिए मुद्दा का क्या है? ये देखिए, जहाँ तक नेशनल असम्बली का ताल्लुक है वो तो अपनी मुदत पूरी कर ही रही है, उधर तो कोई रेजोल्यूशन नहीं हुई। वो तो अपनी जब टर्म ख़त्म करेगी वो हो जाएगी, अनलेस प्राइम मिनिस्टर फैसला करते हैं कि उससे पहले हम डिसॉल्व कर देंगे। लेकिन जहाँ तक पंजाब असम्बली का ताल्लुक है और केपीके का असम्बली का ताल्लुक है, वो तो आइन के तहत डिसॉल्व हो चुकी हैं, और आइन के तहत जब वो डिसॉल्व हो जाएँ तो उसके बाद आइन कहता है कि आपने 90 दिन में इलेक्शन करा के नई असम्बली लेके आने। आपको पता है कि इस वक्त कोई 12.5 करोड़ अवाम जो है पाकिस्तान की, 53 या 54% अवाम जो है उनका रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं है, वो उनकी असम्बली नहीं है। वो इस किस्म की चीज़ आप कितनी देर बर्दाश्त कर सकते हैं किसी मुल्क में भी कि वो आइन के बगैर एक मुल्क चलता रहे, ये सबको सोचना चाहिए। अली जफर साहब, आज समाज के दौरान चीफ जस्टिस साहब ने ये बात कही कि हाई मोरल ग्राउंड्स हैं वो सियासी जमातों को दायर करने चाहिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत जो है बाकी जो सियासी जमातें हैं जो खास तौर पर मुज़ाकरात के बारे में नहीं है, उनको क्यों नहीं जस्टिस साहब की हिदायत पर अमल कर रही है कि नहीं कि हाई मोरल ग्राउंड पर जाकर मुल्क का जो मौजूदा सूरत हाल है, मीशत की भी बात हुई, अंदर जला भराव की बात हुई जो हुई है, तो इस पर आकर क्यों नहीं तमाम सियासी पार्टियाँ इकट्ठी बैठ जाती हैं और दोबारा मुज़ाकरात की भी बात की गई? जी देखिए, बिल्कुल डायलॉग जब हो रहा था आपको याद है, कोशिश तो हो रही थी, लेकिन आप देखें जो ताली है वो एक हाथ से बज ही नहीं सकती, ये तो एक बड़ा प्रैक्टिकल पॉइंट है। जब आप सारी लीडरशिप को अरेस्ट करते हैं, जब आप लोगों पे तशद्दुद करते हैं, जब आप ये भी देख लें कि पीटीआई को इलेक्शन कैंपेन करने की इजाज़त नहीं है, सेक्शन 144 जगह जगह लगा हुआ है, उनको सबको अरेस्ट कर रहे हैं, वही आप अपने सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग के बाहर देख लें कि सेक्शन 144 भी गायब हो गया, वो कानून भी तब्दील हो गया, उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी नहीं हुई। तो ये इस किस्म की चीज़ें लोग समझते हैं, लोग अक्लमंद हैं, वो बाशऊर हैं, लोगों को पता है कि क्या हो रहा है। इस किस्म के माहौल में जहाँ एक तरफ अरेस्ट हो रहे हैं, कानून वन साइड अप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ नहीं अप्लाई किया जा रहा, लोगों को उठाई जा रहा है रात को, औरतों को, बच्चों को घरों में घुस के निकाला जा रहा है, तो उस सिचुएशन में डायलॉग बहुत मुश्किल है। लेकिन इसके बावजूद, इस चीज़ के बावजूद मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि डायलॉग का दरवाज़ा बंद नहीं होना चाहिए। डायलॉग बहुत ज़रूरी है सियासत में और वो होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ जिस तरह चीफ जस्टिस साहब ने भी ऑब्ज़र्व किया कि ये हुकूमत का फ़र्ज़ है इस वक्त कि वो अपने आप को तब्दील करें,
और अगर वाकई सिंसियर है तो आए मुज़ाकरात के। लेकिन जहाँ तक आइन का ताल्लुक है, मैं एक कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर हूँ, मैं समझता हूँ कि आइन इतना वाजे है, दो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की इतना वाजे हैं कि इसमें से निकलने की गुंजाइश नहीं। तकरीबन जहाँ तक कम अज़ कम पंजाब असम्बली और केपी की असम्बली का ताल्लुक है, वहाँ तो इलेक्शन होने ही होने हैं। चलें 14 मई निकल गई, कुछ और दिन बाद डेट देनी ही पड़ेगी।